ईरान में महिलाएं जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वो अपने लंबे बालों को काट रही हैं, सुरक्षा कर्मियों के सामने अपने हिजाब को हवा में लहरा रही हैं। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं। आखिर वो ये सब कर क्यों रही हैं? तो हम आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट की वजह है 22 साल की महिसा अमीनी। महिसा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने 13 सितंबर को महिसा को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि तेहरान में महिसा ने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना। अगर ईरान की बात करें तो हिजाब पहनना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद अमीनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन में जब महसा की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन बाद खबर आई कि महसा अमीनी की मौत हो चुकी है। अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। महिलाएं खुद से अपने बाल काट कर विरोध जताने लगी। पुलिस कर्मियों के सामने अपने हिजाब को हवा में लहराने लगी और सालों से खोई अपनी आज़ादी को वापस मांगने लगी। इस लड़ाई में पुरुष भी महिलाओं का बराबरी से साथ दे रहे थे। इन प्रदर्शनों ने 4 दशक पहले हुए ईरान की इस्लामिक क्रांति को वापस से याद दिला दिया है। तब आज़ादी, अधिकार और खुलेपन के खिलाफ क्रांति हुई थी और आज इन सब चीज़ों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आखिर क्या थी ईरान की इस्लामिक क्रांति जो ईरान को पीछे की तरफ ले गई? 11 फरवरी 1979 को हुई इस क्रांति ने ईरान में शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका था और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में तब्दील कर लिया था। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के हाथों में सत्ता आई थी। ईरान में नया संविधान बनाया गया। उसके बाद ईरान में शरिया कानून लागू हो गया। कई सारी पाबंदियां लगा दी गईं। महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई। अब उन्हें हिजाब और बुरखा पहनना बेहद ज़रूरी था। अगर हम साफ शब्दों में बोलें तो इस्लामिक क्रांति ने ईरान को पूरी तरह से बदल दिया था। इसने खुले ईरान को बंद कर दिया था। दरअसल क्रांति से पहले ईरान में रेजा पहलवी का शासन था। उसके राज में कई तरह के आर्थिक और सामाजिक सुधार किए गए थे। महिलाओं को ज़्यादा अधिकार थे। उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी। वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी, या यूं कहें कि उनकी शासनकाल में यूरोपीय सभ्यता का अच्छा खासा प्रभाव था। भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता भी बढ़ चुकी थी, जिससे कई लोगों को शाह की सत्ता पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से एक थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, जो एक धार्मिक लीडर थे। उनके हिसाब से ये सब इस्लाम पर चोट था। आयतुल्ला खुमैनी तब फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे थे। वो कैसे भी करके ईरान में शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इन सब के बीच ईरान में शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों में भारी गुस्सा था। जल्द ही शाह को ईरान से भागना पड़ा। शाह के जाने से ही आयतुल्ला खुमैनी की तेहरान में वापसी हुई। सड़कों पे लोगों का हुजूम था। करीब 30 लाख लोग इस क्रांति का हिस्सा बने थे। ये पश्चिमी देशों के लिए बुरी हार थी। उनके लौटने से ईरान में इस्लामिक कट्टरवादियों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया था। तब से लेकर अब तक ईरान को मौलवियों ने चलाया है और महिलाओं की आज़ादी को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इतने सालों बाद फिर से इस क्रांति को चुनौती मिल रही है। लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और पूरी दुनिया में इस इस्लामिक क्रांति के खिलाफ उठ रही आवाज़ फिर से सुनाई दे रही है।